नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। हम पहुंचे हैं निवाई नगर पालिका में, जहां यहां किस किस तरह के काम हुए हैं, किस किस तरह के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, उन पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिलीप जी हैं जो कि चेयरमैन हैं नगर पालिका के। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस किस तरह के यहाँ विकास कार्य कराए गए और अभी जो पट्टा वितरण जो काम चल रहा है उसमें किस तरह का इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है। दिलीप जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पट्टा वितरण जो चल रहा है इसमें किस किस तरह के काम किए गए और किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मैन पावर किस तरह की आपको लगानी पड़ी इसमें? निवाई नगर पालिका द्वारा हमने 15 अगस्त तक करीब 4500 पट्टे जारी कर दिए थे। अभी हमने करीब 300 पट्टे उसके बाद में और जारी कर दिए। हमारा लक्ष्य 3000 पट्टे देने का था और हम लक्ष्य से दो गुना ज़्यादा रहेंगे। मेरा विचार है अभी तक भी कम से कम 1000 पट्टे हम और देने वाले हैं अभियान, क्योंकि अभियान बढ़ चुका है, मार्च तक अभियान बढ़ गया है, तो अभी 1000 पट्टे देने का हमारा और भी लक्ष्य है। अजमेर संभाग में जो सी क्लास की नगर पालिका निभाई है उसमें हम प्रथम स्थान पर रहे हैं। कल आदरणीय मंत्री शांति धारीवाल जी द्वारा हमारे पूर्व अधिशासी अधिकारी महिमा डांगी को सम्मानित किया गया। पिछली बार भी जब हम 2010 से 15 के बोर्ड में जब चेयरमैन मेरी पत्नी थी तब भी अजमेर संभाग में प्रथम स्थान पर रहे थे। तब भी आदरणीय जो हमारे अधिशासी अधिकारी संजय जी देवल थे उनको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सम्मानित किया गया था। तो लगातार हम पट्टे देने में सबसे आगे चल रहे हैं और अभी भी आप देख रहे हो लगातार पट्टे, आज भी हमने 200 पट्टे जारी किए हैं, तो ये प्रक्रिया चल रही है कंटिन्यू। इस दौरान किस किस तरह की मैन पावर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लगातार काम करने के लिए मैन पावर की बेहद ज़रूरत होती है? देखो, जिसको काम करना आता है काम करने की शक्ति है। मुझे 28 साल नगर पालिका में हो गए, पार्षद भी चेयरमैन भी, प्रत्येक काम के अंदर सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। इस बार जो हमारे नगर पालिका में जो हमारे पार्षद हैं सभी पूर्ण रूप से सक्रिय रहे, प्रत्येक वार्ड पार्षद ने डोर टू डोर संपर्क किया है, प्रत्येक घर में गए, वहाँ पर लोगों को जागरूक किया, अलग जगाई कि आपके मकान का पट्टा लो। तो कर्मचारियों का, अधिशासी अधिकारी का, पूर्व में जो अधिशासी अधिकारी रही महिमा डांगी, अभी जो वर्तमान में अधिशासी अधिकारी हैं जब से आए हैं वो भी लगातार पट्टों पे साइन ही कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ जब से वो आए हैं लगातार उनका काम पट्टों पे साइन करने का ही रहा है। तो सभी का पूर्ण रूप से सहयोग है, मुझे किसी का असहयोग तो कभी मिला ही नहीं, सबका सहयोग मिला है। नगर पालिका में साफ सफाई की बातचीत करें तो किस तरह की साफ सफाई व्यवस्था रही, किस तरह का अभियान चलाया गया, लोग साफ सफाई की व्यवस्था से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, निवाई नगर पालिका साफ सफाई में पूरा ध्यान रख रही है और भी जो कमियाँ हैं हम जल्दी पूरी करने वाले हैं। डोर टू डोर का टेंडर भी हम जल्दी से वर्क ऑर्डर देने वाले हैं। अभी हमने SI कर्मचारी का भी टेंडर किया जिसका कल टेंडर है, तो लगातार ये काम तो चलते रहते हैं सफाई का। तो किस किस तरह की और रूपरेखा तैयार कर रखी है नगर पालिका के सौंदर्यकरण के लिए? सौंदर्यकरण के लिए हमने 6 काम हमने लिए थे। एक सामुदायिक भवन, जो 2 सामुदायिक भवन, एक आधुनिक सामुदायिक बनने वाले हैं जिसका हमने वर्क ऑर्डर दे के उसका कार्य चालू करवा दिया 80 फुट रोड पर। प्रताप स्टेडियम का हमने 7 करोड़ रुपये का टेंडर किया है। बस स्टैंड का हमने टेंडर किया है। शिवाजी पार्क का हमने 2.5 करोड़ का टेंडर कर दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया, बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। सेंट्रल पार्क का, चौपाटी का हमने बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास कर दिया है, उसकी DPR बन चुकी है, उसका टेंडर लगने वाला है। आचार संहिता लगने वाली है, तो ऐसे में जो ये विकास कार्य हैं इनके कामों में कहीं कोई रुकावट आएगी? आचार संहिता में जो टेंडर हो चुके हैं जिनका वर्क ऑर्डर नगर पालिका द्वारा जारी किया जा चुका है वो कार्य चलते रहेंगे। जो कार्य शुरू है वो कार्य शुरू रहेगा, जिनका वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ, टेंडर हो गए, आचार संहिता लग गई, तो वो कार्य नहीं हो सकता। क्षेत्र की जनता से, इलाके के लोगों से आप कोई अपील करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? निवाई शहर की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा, अभी तो जिन्होंने भी पट्टे की पत्रावलियाँ अभी तक नहीं लगाई है, जिनका पट्टा नहीं बना है, वो अपने पट्टे की पत्रावली लगाए और पट्टा नगर पालिका द्वारा प्राप्त करें। और जो भी
निवाई शहर की जनता मुझे कोई भी सुझाव देना चाहती है वो मुझे सुझाव अपना दे सकती है निवाई को सौंदर्यकरण करने के लिए, निवाई को स्वच्छ बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी, जो कि निवाई नगर पालिका के चेयरमैन हैं। और भी लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि किस किस तरह के नगर पालिकाओं में किस किस तरह के काम हुए।